श्रोताओं आइए श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य 16वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनंत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करे, बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी जल देवता अंकित करे। दो लड़कों के साथ पुरुष संज्ञित नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पित करे। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवा कर उद्यापन करवाना चाहिए। 1 सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमाएँ रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल गृह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जलयापन कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिक के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया, मगर हुआ यह कि उस बावली की एक बूंद भी पानी ना निकला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल निकला। वह इन विचारों में ग्रस्त होकर रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को स्वप्न में जल देवता ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो, तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनंजय से कहा, पिताजी, मेरा तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थाई है और पुत्र तथा सब नाशवान है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति ये कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु तथा चंडाशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनद ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो, इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रवण ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश अनुसार अपने बड़े लड़के को अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मरकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया, तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ 3रा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया, तो वह अपने ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई, तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित उसमें स्नान करके कहा, मेरे शवसुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ।
उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल और ककड़ी का भोज किया। वहां से सुशीला का गांव चार कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जल देव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माताजी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देख चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर चूमने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो महमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से पिशाच पकड़कर लाए होते तो वह भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और अब हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंच गई। शवसुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य का व्रत को किया था। हे भागिनी, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं, तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया है, तथा बावली भी छल से परिपूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को ले गई थी और आती बार तीनों पुत्रों को साथ लेकर आई हो। सुभद्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारे क्या स्तुति करूँ। इस प्रकार उसके शवसुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सास भी ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोलमांचित भोग भोग कर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल ठंडा, शीतल ककड़ी का फल, बावली जल तथा शीतला देवी कहे गए हैं। इसे करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। इस कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी हुआ है। श्रावण मास महात्म्य 16वां अध्याय शीतला सप्तमी व्रत कथा समाप्त। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे और भी उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। धन्यवाद।